Myself, Dr. Neha Agarwal, Consultant Psychiatrist at IVY Hospital, Hoshiarpur. आज के Facebook Live Session में आप सबका IVY Group की तरफ से स्वागत है. आज का हमारा discussion का topic रहेगा Depression, जिसे आम भाषा में हम अवसाद, उदासी की बीमारी के नाम से जानते हैं. आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन ये ही क्यों है, इसका कारण यह है कि जैसे हम जान रहे हैं कि आजकल हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति आके बोलता है मुझे डिप्रेशन हो गई है, मुझे उदासी की दिक्कत रह गई है. इसको एक आम भाषा का शब्द बना लिया गया है जिसमें एक्चुअल में लोग इसका मीनिंग नहीं समझ रहे हैं कि डिप्रेशन बीमारी अलग चीज है और एक जो ये कॉमन वर्ड बना लिया गया है ये एक अलग चीज है. अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आज की तारीख में 3 से 4% पूरी जनता इस बीमारी से ग्रसित है. ये आजकल हर वर्ग, उम्र के वर्ग में हो रहा है. महिलाओं में ये अधिकतर ज्यादा देखने को मिलता है मेल्स के कंपैरिजन में. आज हम इसके मुख्य लक्षणों की बात, इसके होने का कारण, इसका इलाज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके मुख्य सिम्टम्स की बात करते हैं. जैसे कि आप सबको पता है यह है एक मूड डिसऑर्डर है, इसका मतलब यह है एक व्यवहार की समस्या है. तो इसका पहला लक्षण रहता है उदासी, लो मूड. अब यह उदासी ऐसी नहीं होती कि किसी पर्टिकुलर कारण के कारण कुछ समय के लिए होती है, नहीं. इसमें अमूमन इंसान उदास पूरा दिन, पूरा महीना ऐसे रहता है. ये नहीं होता कि कुछ समय के लिए तो जी बस 5 मिनट की उदासी है, बाकी दिन हमारा ठीक निकलता है. यह लो मूड में कंसिडर नहीं होता है. दूसरे मेन सिम्टम की अगर हम बात करें तो एनहेडोनिया, यानी कि किसी भी काम में मन न लगना. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो किसी महिला है जो उसको खाने बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है, उसका वह काम करने में ही रुचि नहीं रहेगी. कोई जैसे एथलीट है, उसको अपने खेल में रुचि रहती थी, अब वह उसको करने का ही मन नहीं करेगा. इसे हम कहते हैं कि काम में मन न लगने का. तीसरे लक्षण जैसे उसका लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, वह प्रेफर करेगा कि मैं अकेला ही कमरे में बैठा रहूं, कोई मेरे आसपास ना आए, किसी से मुझे बातचीत ना करनी पड़े. कई बार ऐसे लोगों को अंधेरे में रहना भी पसंद आने लग जाता है. बाकी लक्षण जैसे कि एनर्जी कम महसूस होती है, कहने को तो यह मानसिक तकलीफ है, किंतु होता क्या है कि इंसान शारीरिक तौर पे भी कमजोरी महसूस करने लग जाता है, जिस कारण वो ऐसी आके कंप्लेन करता है कि मुझसे काम इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे शरीर में जान नहीं होती. उसके अलावा अन्य लक्षण जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन. इसकी रिप्रेजेंटेशन क्लिनिकली कैसे मिलती है हमें कि पेशेंट हमें आके बोलता है कि मैं रखी हुई चीज भूल जाता हूँ, या फिर मैं जो पहले काम अच्छे से करता था उसमें मेरी गलतियां होने लग गई हैं, जो डिफाइन करता है एक और लक्षण जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन. एक इम्पोर्टेंट सिम्टम जो अगला हम डिस्कस करेंगे वो है नींद. नींद इसमें कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है. पहले कम होने की बात करें, कम होने में कैसे, नींद आने में दिक्कत आ सकती है, लगातार नींद रहने में दिक्कत है. मरीज आके बोलता है बार बार मेरी आंख खुलती है, या फिर सुबह जैसे मान लो जो समय था उठने का उससे 2-3 घंटे जल्दी आंख खुलने लग गई है. ये सब सिम्टम के साथ मरीज हमारे पास आते हैं. अब अगला लक्षण है भूख. इस स्थिति में भूख कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है. ऐसा रूल नहीं है कि अगर कोई डिप्रेशन में होगा तो उसको भूख कम ही होगी, नहीं, भूख बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम की जो जानलेवा हो सकते हैं मरीज के लिए, जिसमें पहला आता है आत्मग्लानि यानी कि गिल्ट. इसमें मरीज को ऐसे लगता है कि जो भी इर्द गिर्द जो भी उदासी है या जो भी दिक्कतें आ रही है उस सब का कारण वह खुद है, जिसके कारण वह सोचने लगता है कि अगर मैं खुद को ही खत्म कर लूं तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाए, जो मेरे परिवार वाले परेशान है वो परेशानी खत्म हो जाए, जिसे हम कहते हैं डेथ के थॉट्स आना या डेथ विशेज आना. और कई बार ये चलते चलते मरीज सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेता है, जिसे हम सीवियर कैटेगरी में काउंट करने लगते हैं. तो ये तो हमने बात करी प्रमुख लक्षणों की जो कि डिप्रेशन में मिलते हैं. अब हम बात करेंगे ये होने के कारण क्या होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल दिक्कत. बायोलॉजिकल में क्या, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे दिमाग के रसायन हैं. कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में कम हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरएड्रेनालिन. इन सब की कमी आने के कारण इंसान में उदासी की समस्या आती है. उसके अलावा
जिनके पेरेंट्स के अंदर या घर परिवार में या ब्लड रिलेशंस में जिनमें पहले किसी पूर्वज में उदासी की समस्या रही है, वह आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उदासी की समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर हम आज की रोजमर्रा जिंदगी की बात करें, जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, प्रेशर आने लगा है काम का, परिवार के जो डायनामिक्स बदलते जा रहे हैं, इन सब के कारण भी डिप्रेशन आता है। फाइनेंशियल इश्यूज, कोई सडन एक्सीडेंट होना, ये सब स्ट्रेसेस क्या करते हैं, जो अंडरलाइंग डिप्रेशन के जो पॉइंट्स होते हैं उनको एग्रावेट करते हैं। उसके अलावा मेडिकल समस्याएं भी हैं जो डिप्रेशन लाती हैं। आजकल जो कि कॉमन हम देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिस महिला में जिनमें थायरॉयड की गोली चल रही होती है उनमें अमूमन डिप्रेशन की भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा शरीर में नमक में कमी होना, जैसे कैल्शियम की कमी होना, मैग्नीशियम वगैरह की कमी होना भी डिप्रेशन कोज करता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। वैसे तो हम डिप्रेशन की अलग अलग ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। कई केसेस में माइल्ड में तो ऐसा होता है कि सिर्फ काउंसलिंग से ही मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम सीवियर कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि मॉडरेट की और सीवियर की, इन सब में हमें दवाई की आवश्यकता भी जरूर होती है। लेकिन आजकल सोशल स्टिग्मा इतना है कि मानसिक बीमारी का नाम सुनते ही कोई आना ही नहीं चाहता, या फिर कोई कहता है कि हम तो कंसल्ट ही नहीं करेंगे। हमें एक चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि जैसे फिजिकल बीमारी है बीपी शुगर, वैसे ही मानसिक समस्या है जिसका इलाज संभव है, जिसकी दवाई काउंसलिंग सब अवेलेबल है। अगर ये समय रहते ले लेते हैं तो डिप्रेशन में जैसे जो मैंने सिम्टम सीवियर बताए थे आप लोगों को, डेथ होगी, सुसाइड होगी, इन सब से बचा जा सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे हमारा फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी रहेगी और एक खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। थैंक यू।